नमस्कार, मैं आचार्य बालकृष्ण। आज हम आपके सामने हायर एजुकेशन के जितने भी हमारे जुड़े हुए हरियाणा सरकार के सिस्टम से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आप सबके सामने वार्ता करने के लिए हम आपके मध्य उपस्थित हैं। क्योंकि यह समय बहुत ही जटिलताओं से, विकटताओं से गुजर रहा है, देश के अंदर एक बहुत ही जटिल स्थिति है और हम सब उसका सामना कर रहे हैं। इस समय पर हम कैसे रहें, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और अपने आप को कैसे ठीक रखें, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि कुछ समय तो घर पे लोग रहने की आदत नहीं थी, फिर उन्होंने थोड़ी आदत डाल ली, पर कहीं कहीं पर ऐसा देखने सुनने में आ रहा है जिन लोगों ने अपने आप को किसी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ लिया, किसी प्रैक्टिकल किसी चीज़ के साथ वो अपने इन्वॉल्व हो गए, जिन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, उन सबको तो बहुत वो रही, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही, परंतु जो लोग नहीं जुड़ पाए इस तरह की गतिविधियों से तो वहाँ कहीं अशांति भी है। यदि हम घरों की बात करें तो घर में लोग कहीं कोलाहल में, कहीं झगड़े में, कहीं कहीं पर तो ऐसी घटना आ रही है कि भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटों से लड़ रहे हैं, तो कहीं प्रेम बढ़ा है तो कहीं दुराव भी बढ़ा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। हम लोग तो पहले से, जब आप देखते हैं तो विशेष करके हरियाणा की बात करें तो आज भी हरियाणा में कुणवे की बात करी जाती है, यानी पूरा खानदान, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, उसमें रहने की हमारी परंपरा रही है। दादी नानी से लेकर के पोता पोती तक एक ही छत के तले, एक ही परिवार के तले रहते थे, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में खुशहाली थी, हमारे परिवार में एक तरह से बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण था। समय से, कालखंड से वो वातावरण कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था। तो आज कालखंड की विपत्तियों में भी, प्रतिकूलताओं में भी कहीं ना कहीं वो स्थिति आज दोबारा लौट करके आई है, तो वो हमारे लिए बहुत ही हमको इसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रतिकूलताएं होती हैं, कभी कभी आदमी उसको भी अवसर के रूप में लेता है, तो अनुकूलताएं तो हमारे लिए अवसर का काम करती ही करती हैं। इसीलिए हम लोग सभी लोग, जितने भी युवक और युवतियां हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे समाज के भाई बहन हैं, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप ये देखिए, आप इस आपद को भी, ये इसको, इस प्रतिकूलता को भी सिर्फ दुख परेशानी के रूप में नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लें। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको यही उपदेश करते हैं, यही बात वो कहते हैं बार बार कि भाई ये जो समस्या है, ये भी हमारे लिए एक अवसर के रूप में ले। शेक्सपियर भी इस बात को उन्होंने कहा, एक बड़े दार्शनिक हुए, हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि अवसर क्या है, अवसर वस्तुतः जो बाहर है वो अवसर नहीं है, तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे मुट्ठियों में है, जो आज तुम जहां खड़े हो वो तुम्हारे लिए अवसर है। हम इस अवसर को समझें, विपदा को भी अवसर माने, जिन चीजों को कर सकते हैं, यानी टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम, परिवार के दुराव्यों को पाटने का हम कर सकते हैं, पर यह समय नहीं है कि बाहर तो हम कहीं ना कहीं से एक अवसाद, स्ट्रेस का वातावरण है, हम घर में भी कहीं अवसाद और स्ट्रेस में आ जाएंगे तो फिर ये उस स्ट्रेस को दूर करना बहुत कठिन होगा। क्योंकि एक रिसर्च और रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, अभी बताया गया है कि जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, घर में लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं, उसके कई कारण हैं। किसी को नौकरी छूटने का भय है, किसी को पढ़ाई छूटने का भय है, किसी को नौकरी ना लगने का है, किसी को अब आगे जाकर के जीवन का निर्वहन कैसे चलाएंगे इसका भय है, तो सारे भयों से हम भयभीत, तो भय से मुक्त नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी हम भय से मुक्त नहीं हो सकते, भय से, भय को नहीं जीता जा सकता है, तो भय मुक्त होकर के भय को जीता जा सकता है। तो आइए हम सब या आत्मदा बल उपासते, इस संकल्प के साथ कि वह परमात्मा हम सब
एक शक्ति को देने वाला है, मन बचा, शरीर बचा, सेहत बचा तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि पदार्थ पाने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। वह सामर्थ्य है आपका शारीरिक सामर्थ्य, आपका मानसिक सामर्थ्य, आपका आध्यात्मिक सामर्थ्य। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, या आप अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, या आप समाज के अन्य किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो हमको सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने मनोबल को कम दें। प्रतिदिन मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पूरी सुबह अमेरिका के अंदर भी अब वहां स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो क्या करें, तो वो लोग अभी योगासन प्राणायाम। तो ये तो आपका और हमारा ये परम सौभाग्य है, परम श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से, तप से आज हमारे लाखों भाई योग शिक्षक के माध्यम से योग शिक्षा दे रहे हैं, करोड़ों भाई घर में बैठे बैठे योग की विधाओं को जानते हैं, समझते हैं। हरियाणा की मैं बात करूं तो स्कूल लेवल पर भी आज योग की एक अच्छी स्थिति है, उपस्थिति है। तो हम सब लोग मिल करके अब अविलंब हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि इस योग का आश्रय ले लें। अभी कथा योग की वार्ता नहीं, अभी तो हम योग का प्रयोग करें, अविलंब करें। तो सभी युवकों से, युवतियों से मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना करके प्रतिदिन संकल्प ले लीजिए। अभी नहीं लिया हो तो, लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको निरंतरता का संकल्प ले लीजिए। सुबह उठ करके प्रतिदिन आपको पानी पीना है, पानी पी करके शौच आदि से निवृत्त हो, कम से कम आधा घंटा, अन्यथा एक घंटा योगासन प्राणायाम आपको करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जरूर करें। व्यायाम के रूप में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए, कुछ पेट के आसनों का अभ्यास करिए, कुछ स्पाइन के कॉर्ड का आसन का अभ्यास करिए। तो इतनी क्रियाओं को और करने के लिए भी सुगम ये अच्छा है कि श्रद्धेय स्वामी प्रतिदिन सुबह आस्था में और दर्शन चैनल में लाइव योगासन प्राणायाम सिखाते हैं। यदि आपको सीखने की दृष्टि से भी जरूरी हो तो टीवी के सामने बैठ करके आप इसको जरूर करिएगा। प्रतिदिन ध्यान जरूर करना। यदि आपको कोई भी मंत्र, कोई भी जो आप उपासना करते हैं, जिन भी परंपराओं से आप जुड़े हैं, उस परंपरा के मंत्र को, उस परंपरा के उपासना को आप पूरी तरह से आश्रय दें। ये समय है, एकांतवास के लिए बहुत कठिनता से समय मिलता है, इसको एक मौका समझें, मुसीबत न सही समय पर उठें। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस नहीं जाना है, आपको स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है। तो मैं बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को भी जानता हूँ, युवक और जानते आचार्य जी अब तो बस क्या है, पढ़ करके सोते रहते हैं। ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता, ये उपनिषद का वाक्य स्वामी विवेकानंद जी बहुत प्रयोग किया करते कि उठो, जागो, पहचानो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने को पहचानना जरूरी है। तो उस लक्ष्य के फेर में हमने अपने आप को जो पहचानने की कहीं हमसे एक भूल हो गई थी, हम अब हम लोग अपने आप को पहचान सकते। तो इसके लिए आप पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से अपने को पहचानने के लिए लगिए। तो दिनचर्या सबसे पहली बात है कि आयुर्वेद के अंदर भी, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, जो रोगी नहीं है उनको कैसे हम रोग मुक्त रहें। और यह समय सबसे है, कुछ रोगी हैं, कुछ रोग के होने के नजदीक में हैं, बाकी लोग रोग से भयाक्रांत हैं। इस स्थिति में हम प्रयास करें कि हम रोगी ना हों। रोगी ना होने का है कि जितना आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जितनी अंदर की आपकी पावर है, उसकी जितनी आपकी, आप रोग से बचे रहेंगे। इसके लिए प्राणायाम आप प्रतिदिन करिए। गिलोय हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर में लगभग आप इधर से शुरू हो जाओ, दिल्ली बॉर्डर से शुरू होकर के फरीदाबाद से लेकर के चंडीगढ़ के हिसार तक आप जाएंगे, आपको इधर यमुनानगर साइड में भी सब जगह पर आपको पेड़ों में लटकी हुई मिलेगी।
गिलोय घाटी चारों के केंद्र में हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, पर लटकी हुई गिलोय में से ये अंगूठी भर की मोटी गिलोय लेकर के आप लगभग इतनी चौड़ी यानी कि लगभग दो आप उसको सुबह या पत्थर में कूट करके यदि आप घर में तीन चाहे तो तीन चार टुकड़े ले लो एक साथ कुचल कर हर व्यक्ति के चार लोग हैं तो चार गिलास पानी डाल करके उसको उबाल करके पका करके सुबह सुबह खूब अच्छी तरह से थोड़ी सी काली को पांच सात दाने और थोड़े से उसके अंदर आप डाल दो तुलसी के पत्ते, एक आदमी के लिए लगभग एक ग्राम के हिसाब से वो पत्तियां डाल दो और तो थोड़ी सी थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं डाल करके उसको उबाल करके अब चाय बन चाय की जगह आप गिलोय का काढ़ा नियमित रूप से ले लो, उससे आपका गला भी ठीक रहेगा, रोग प्रतिरोधक भी वृद्धि होगी और इस तरह की कोरोना जैसे महामारी के लिए आपको बहुत मदद मिलेगा। और ये उपाय आप जो गांव में रहने वाले लोग हैं को भी बता सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है कोई नुकसान नहीं है क्योंकि नुकसान से साथ साथ में खाने के लिए जैसे च्यवनप्राश यूं तो सर्दी में खाई जाने वाली चीज है पर सर्दी जुकाम का खांसी या बुखार या इस तरह की जो होने वाली बीमारी उन बीमारियों से बचने की उसका आप सेवन करिए, ये बहुत ही आप सबके लिए बहुत अच्छा है। आयुष मंत्रालय के हम लोगों ने बहुत चिंतन करने के बाद जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम सबके लिए तैयार किया था उस प्रोग्राम के अंदर भी हम वाले दूध के लिए इन सब चीजों को हमने लोगों को करने के लिए कहा है। तो इसके साथ में गिलोय घनबट्टी जैसे मैंने कहा कि गिलोय ताजी मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो गिलोय घनबट्टी आप सेवन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इस समय पर जिनको थोड़ी बहुत भी सर्दी है जुकाम है कफ है या आपके कहीं ना कहीं बलगम है तो आप कोई भी दही ना लें, अभी खट्टी चीजें ना लें, अचार ना खाएं, बाकी सुबह सुबह थोड़ी सी लगती है नाक में चार चार बूंद सरसों का तेल डाल लें या जैसे परम अणु तेल है या षडबिंदु तेल लगती जरूर है जिनको सर्दी उसको डाल पूरा जो है नाक का रेशा निकल जाएगा कफ निकल जाएगा उससे पूरी शांति होगी। जो बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो वायरल प्रॉब्लम जो वायरस का अटैक होने से आप बच सकेंगे तो आप उसको करिए। तो सुबह उठ करके जैसे आप जो आप जप करते हैं जो आप साधना करते हैं नहीं तो गायत्री मंत्र, क्योंकि वेदों में भी गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है, सुबह कम से कम 10-15 मिनट यदि आप थोड़ी स्पीड से तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् यदि इतनी स्पीड से करते हैं तो लगभग 10-12 मिनट में माला हो जाती है यानी कि 15 मिनट लगभग आप गायत्री जप का संकल्प लें। संकल्प लेते समय आप आंख मूंद करके बैठ कर आपको ये सोचना है कि मुझे तनाव ग्रस्त नहीं होना है, किसी भी तरह की कुलता में मुझे विचलित इस संघर्ष की और विषमता की स्थिति में मुझे भयाक्रांत नहीं होना है, क्योंकि वेदों में भी बहुत प्रार्थनाएं की गई है तो मैं भय मुक्त रहूं इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर। और हो सके हमारी में यूं तो हरियाणा में क्योंकि हम लोग भी वहीं गुरुकुल के पढ़े हुए हैं और वैदिक धर्म का बड़ा प्रचार है, पहले बहुत यज्ञ होते थे बड़े स्थान होता था, अभी भी आप दैनिक यज्ञ करें और दैनिक यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ करके थोड़ी से करके आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी या बरगद की लकड़ियां या आप समी केला करके आप थोड़े सामग्री और घी डाल करके आहुतियां दे दें, उससे वातावरण शुद्ध होगा बैक्टीरिया से बचने के लिए वायरस से बचने के लिए, क्योंकि वायरस से बचने के लिए ये एक अद्भुत उपाय है। तो विषाणुओं से जीवाणुओं से बचने तो उसका 10-15 मिनट सबके परिवार करके जरूर आप प्रतिदिन पालन और योग के लिए भी कि जैसे आप सब पारिवारिक जन बैठ करके सुबह वो सिखाने का काम करें जिनको नहीं पता है वो विद्या, तो एक घर का वातावरण को आप मंदिरमय आध्यात्ममय घर के वातावरण को आप योग योगमय बनाएं तो योगशाला बनाएं घर में मध्यान्ह में भी, क्योंकि जब पहले भाग दौड़ी होती थी आप कहीं ऑफिस में होते थे कहीं आपको स्कूल कॉलेजेस में जाना होता था बारीक बारीक जन और कहीं होते थे, अभी आप घर में हैं परिवार में हैं तो बैठ करके शांति से भोजन करें। पहले आप जल्दीबाजी में होते थे देखते देखते आपको खाना खाना पड़ता था, अब बिना टेलीविजन को देखे हुए आप शांति से बैठ टेबल कुर्सी की जगह
करके, चटाई बिछा करके, आसन बिछा करके, या आप खाट के ऊपर भी बैठ जाएं, तो पालथी जो हमारी पार्टी रही है, पुरानी मेरी विधाएं रही है, उसका पालन करो, एक एक मौका करके तो देखो। इन सारी चीजों में बहुत ही स्वाद है, बहुत ही इसमें आनंद है, बहुत ही सुख है, इस अनुभव करके तो देखो। और बाकी घरों में कामों में भी थोड़े काम को भी आप जितना हो सके आपस में बांटिए, और ये बहुत जरूरी है घर के चीजों में मिल बांट करके करने का अभ्यास करिए। इसी तरह से सायंकाल को भी जब आप घर में तो प्रयास करिए, रात को आपको सही समय, कोई जरूरी नहीं है। देखो ये समय ना हमारी हुई आदत है ना, उन आदतों के लिए इससे बेहतर और कोई मौका मिल नहीं सकता मेरे भाई। यदि इस मौके को भी हमने गवा दिया, यदि हम चुप, ये मौका फिर कभी मिलेगा नहीं। अपनी दिनचर्या, अपना रूटीन, आप कसम खा लो, वादा कर लो, संकल्प करो कि जिनकी रूटीन ठीक है उनको मैं बिल्कुल प्रणाम, सबको मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, पर जिनकी दिनचर्या ठीक नहीं, जिनका रूटीन ठीक नहीं है, आज कसम खाइए। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, आप हजारों की संख्या में भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कसम खा डालो कि आदमी आप अपनी दिनचर्या को नहीं बिगड़ने दोगे, नहीं बिगड़ने दोगे। संकल्प ले लो, अपने मन को किसी भी तरह से विचलने दोगे, नहीं होने दोगे, क्योंकि हम ऋषियों की संतान है। हमारी परंपरा बहुत ही समृद्धशाली परंपरा है, हमारी परंपरा है, हम उस परंपरा के संवाहक हैं। और हरियाणा की भूमि तो यूं भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो गीता को सुन करके आज ना मुक्त हो रही है, तो उस हमारे भाई बहन किसी भी तरह से रोग शोक और तनाव से ग्रसित होते हैं, ये बड़ी पीड़ा और दुख की बात होगी। तो इसलिए का पाठ भी करिए, जरा उन पन्नों को पलट करके तो देखिए भगवान हम सब के लिए क्या उपदेश किया था। तो समय कर्म नैवेह कर्माणि जिजि विशिष्टतम समा अन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस वेद मंत्र के आधार पर भगवान कृष्ण ने कर्म ना हुए हमारे काम नहीं है, कर्म हम निर्लिप्त हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो हम अपने तनाव रहित हो करके, और अभी क्योंकि बहुत सारथी हैं जो पहले से जुड़े हुए थे वो लोग कह रहे थे, तो मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूं उसमें भी है कि आप तनाव है या स्ट्रेस है, नींद कम आ रही है या कंस बन पा रहा है, तो आप इस स्थिति में घर के रूप में जहां चूर्ण ले सकते हैं, साथ में आप बनी हुई औषधि में अपनी मेधा पतंजलि की मेधावटी, छोटे बच्चों को एक एक गोली सुबह शाम दे दो, और बच्चों के लोगों के लिए आप दो दो गोली सुबह शाम ले ले कुछ खाने के बाद में। बात कट कट के आ रही होगी, कुछ भाइयों के कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ, और इसमें कोई भी बात होगी मेरे से प्रश्न भी पूछ सकेंगे, और मैंने अभी अपने पास में कर लिया इसको, शायद अब शायद आवाज ना कटे। तो हमको जैसे मैं बता रहा था कि अपनी स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए एक एक मेधावटी की दो दो गोली, और अश्वगंधा रिष्ट जो है ठीक नहीं आ रही जरा, तो मैं अभी और जो बाकी जो अश्वगंधा है वो एक अद्भुत औषधि है स्ट्रेस के लिए भी और भी, तो आप सब लोग भी किसी भी अच्छी काम बनी तो उसमें चार चम्मच पानी मिला करके आप ले सकते हैं, तो भी भोजन के बाद आप पिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे करना है, शारीरिक श्रम भी करना ही है आपको,
रात को जैसे जिनको थोड़ा पेट की थोड़ी भी समस्या है, आप आप लोगों को चूर्ण रात को लेना है। और सुबह उठ करके सभी लोग जैसे घर में गोधन अर्क, यदि गांव में रहते हैं हरियाणा में, गांव में देसी गाय भी अभी भी गाय है, तो अपने बछिया का पेशाब सुबह लेकर के और कपड़ा के अंदर आप उसको गोमूत्र को फिल्टर कर करके सुबह सब लोग आधा आधा कप, तो उससे डाइजेशन भी ठीक रहेगा, लीवर की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी भी, और साथ साथ में उससे जो सबसे बढ़कर के जो चीज होगी वो कि आपको किसी भी तरह से इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जीकर करके उसको तो को पिया जाता उतना ही वो हमारे पाचन को ठीक करने वाली चीज बन जाती है, वो उतना ही उससे पेट भी हो जा रहा है। तो आप उसका सेवन कर सो गोधन अर्क अपना पतंजलि का भी आपको मिल जाएगा। और बाद में आप उसमें जैसे हैं तो गिलोय और आंवला एलोवेरा, इसका एलोवेरा गोधन मिला, यानी कि तीनों चीज का भी आप एक साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं, के लिए बहुत ही लाभकारी है। सुबह उठ करके जैसे मैंने का काढ़ा तो हो सके तो आंवला एलोवेरा और गोधन अर्क भी, नहीं तो गिलोय का काढ़ा सुबह पीना है, दोपहर को सही समय पर भोजन करना है, शाम को भी रात को लेट खाना ना खाना है आपको, आपको जल्दी सोना है, के लिए मैंने जैसे कहा आपको रेगुलर करना है। साथ साथ में आपको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आवाज शायद थोड़ी कट कट करके आ रही है, कुछ कुछ नहीं सुन पाए हों या के बीच में ज्वाइन किया हो तो वो लोग सुनिए। और हमारे जो बॉडी के रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश बहुत बड़ी, अश्वगंधा पाउडर भी आप सेवन कर सकते हैं जी, तो आप च्यवनप्राश सेवन कर सकते हैं। साथ साथ में जैसे बादाम पाक है, तिली पाक है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। और अभी अश्वशिला कैप्सूल है, जो ज्यादा कमजोर हैं जिनको लगता है कि जैसे एकदम रोग प्रतिरोधक है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए वो सीला सेवन कर सकते हैं। तो जन अल्पहारी सदा सुखी, और ये मौसम सीजन परिवर्तन का समय है, कभी जैसे हरियाणा की बात करूं तो रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा सा मौसम ठंडा फील होता है, फिर गर्म फील होता है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बच करके रहिए, एकदम ठंडा पानी ना पिए, और रात को भी खाना हल्का ले लें, सोने से थोड़ा जल्दी ले लें, यानी कि सोने से कम अब तो आपके हाथ में है 3 घंटा पहले आप भोजन ले लें, वो जरूरी है। और बाकी शाम को भी हो सके तो एक्सरसाइज और व्यायाम कर लें। और जो भी आप जिन चीजों को जानते हैं इंडोर गेम वगैरह भी, जितनी जो जो चीजों को आप खेल सकते हैं, जितनी आपको जगह है, थोड़ी सारी मिल बैठ करके बड़े छोटे सब अच्छी तरह से खुशी मनाएं, आनंद मनाएं। और जितने भी जो हायर एजुकेशन के मेरे उन सब हैं कि जो विद्या है, विद्या विद्या का प्रयोजन है वाणी और व्यवहार में उतारने का, विद्या का एक प्रयोजन और है जो आज के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो प्रयोजन है अर्थ का अर्जन, जीवन निर्वहन के लिए ठीक है, धन संपत्ति तरह की डिग्रियां, और हम विविध तरह के उसको विद्याओं का, परंतु उसका मुख्य प्रयोग तो वाणी और व्यवहार को हम ठीक कर लें। वाणी और व्यवहार को ठीक करने के लिए इससे समय नहीं मिल सकता है, आप अपने बुज करिए, अपने माता पिता का आदर करिए, काल उठ करके उनके पैर वंदना, पैर चरण स्पर्श करिए, कि शास्त्रों में बड़ी उसकी प्रशंसा की गई है कि सुबह उठकर के वंदना करते हैं, अभिवादनम शीलस्य नित्यम प्रधो वसे नित्यम वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, तो आयु विद्या यश के वृद्धि होती है, हमने कहा है ये दुर्लभ अवसर है, उनको प्रसन्न रखिए, प्रसन्न रहिए, आपके किसी व्यवहार वाणी और कार्य से उनका मन ना दुखे, उनका दिल, क्योंकि यह दुर्लभ अवसर है कि आपको उनके बीच में रहने का मौका मिल रहा है, तो के को आने ना दो, आपके जानने वाले
आपके मिलने वाले, आपको चाहने वाले हमेशा आपको चाहते रहें, आपकी प्रशंसा करते रहें, कहीं से भी किसी तरह से कोई और किसी तरह से आपस में विद्वेष फैलाने वाली बात हो, उन बातों को फैलने न घुसने दो, क्योंकि तनाव घुसने में एक क्षण लगता है पर वो पूरा जीवन को ही बर्बाद, उनको बर्बाद ना अपना होने देना है ना दूसरों को होने देना है। सच्चरित्रता, पवित्रता, सात्विकता अपने दो, इनके लिए प्रयास करो, इनके लिए अभ्यास करो, यही मेरा आप सबके लिए। आसपास की जड़ी बूटियों का प्रयोग साथ अपने अंदर धारण और उसके कल्याण, यही हम सबको करना है। जो आपका सिलेबस जो भी आपको पढ़ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन के हरियाणा से भी हैं, एक कुलपति होने के नाते, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं हमें अपने जैसे लगते हैं, समय का सदुपयोग आप करना, यह मौका भी हमें कभी नहीं, हम अभी उन्नति के लिए हमको मिला है, यह करें तो बहुत बहुत आप सबको मेरी बहुत शुभकामना, सबके लिए बहुत प्रार्थना, पुनः हरियाणा गवर्नमेंट के लिए हायर एजुकेशन विभाग की तरफ से सचिव साहब और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं, किसी तरह से आप सबको देने के लिए, बाकी लोगों का, बाकी विद्वानों का भी आपको सान्निध्य मिले, सहचर मिले, उनके द्वारा आप जीवन सीख पाए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।